हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ पार्ट 83 लेके आई हूँ माय लवली शिजुन का। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, कई लोग कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो फास्ट फॉरवर्ड में क्यों आ रही है। तो गाइस, कुछ चैप्टर ना इसमें एक्सट्रीमली लॉन्ग है और कुछ एक्सट्रीमली शॉर्ट है। तो मैंने इसकी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए सारी ही वीडियोज़ को जल्दी बनाया है, थोड़ी स्पीड तेज कर दी है वॉइस की, क्योंकि गाइस जो ये वीडियोस है ना, ये 50 मिनट्स 55 मिनट्स तक रिकॉर्ड हो रही हैं। और जब मैंने सिंक्रोनाइज करके छोटा कर रही हूँ तो आपको स्पीड में आ रही है, तो कितनी बड़ी वीडियो एडिट भी नहीं हो पाती, उसमें बहुत घंटे लगते हैं और अपलोड में भी बहुत घंटे लगते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसमें स्पीड का यूज़ करूंगी। चलिए आज के जो हमारा चैप्टर है उसे शुरू करते हैं। अगली मॉर्निंग होती है, जो फर्स्ट पर्सन अपनी आंखें ओपन करता है वो है लुओ भिंगे। उसका जो फेस था वो पेल हो रखा था और यहाँ पर वो अब ज़्यादा अच्छा दिख रहा था एक रात पहले से। यहाँ पर शेंजेंचू, जो कि अभी भी उसके पास सोया हुआ था, वो अभी उठ गया था और स्ट्रेट वो हग किए हुए था लुओ भिंगे को। वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट दिख रहा था। शेंजेंचू जो है वो धीरे से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को लुओ भिंगे से अलग करता है और उसकी पूरी रात वो एक मिनट भी रुकता नहीं है। जब वो लुओ भिंगे को नींद में भी अपनी एनर्जी दे रहा था, लुओ भिंगे धीरे से अपनी आईलैशेस को स्लोली ओपन करता है और वो शेंजेंचू की तरफ देखने लगता है, जिसके एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड थे। एक मोमेंट पहले उसने अपना हाथ बढ़ाया और शेंजेंचू की हाथों को दूर किया। उसके एक्शन की वजह से शेंजेंचू थोड़ा सा नींद में जो है वो हिल जाता है और लुओ भिंगे जो है वो चांस लेता है कि वो बेड से उठ जाए। शेंजेंचू अभी भी पजल था, लुओ भिंगे जो है वो हल्का सा भी हिलता नहीं है और वो यहाँ पर ट्राई कर रहा था कि वो उसे पहले से जोर से लात मारे, लेकिन आज एक्चुअली वो इनिशिएटिव नहीं लेता उठने का। शेंजेंचू हमेशा लुओ भिंगे को अपने पास से हटाता था, लेकिन आज लुओ भिंगे खुद उसके पास से हटना चाहता था। वो धीरे से उसकी नोज़ को पिंच करता है और कहता है, तुम इतनी जल्दी उठ गए इस मॉर्निंग में, अच्छा तुम ब्रेकफास्ट खाना जा रहे हो, चलो आज मत करो। और वो नोटिस करता है कि लुओ भिंगे जो है उसने हल्के से पतले रोब पहने हुए थे, इनर शर्ट थी, उसके कॉलर ओपन थे। यहाँ पर वो लुओ भिंगे को मना कर रहा था खाना बनाने के लिए। धीरे से वो उसके पीछे हाथ दिखता है और यहाँ पर शेंजेंचू जो है वो देखता है कि उसकी बोन दिख रही है, कॉलर बोन, वो अच्छे से अब हील हो चुका है। जैसे कि उसने उसको इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दी थी, स्टिल उसके कुछ एलिमेंट्स अभी भी दिख रहे थे। इसने ये लास्ट नाइट ये पहने हुए थे। शेंजेंचू जो है कहता है, तुम्हारे पुराने क्लोथ्स जो है वो अभी भी यही हैं, यिंगयिंग से मैं बाकी की सारी चीज़ें मंगवा देता हूँ। लुओ भिंगे धीरे से स्क्रीन की साइड में पैर रखता है और वो इस रूम को देखता है। यहाँ पर उसका एक छोटा सा वर्ल्ड हुआ करता था जिसे वो यहाँ पर देख रहा था। यहाँ पर एक डेस्क था, चेयर थी, बेड थी, कैबिनेट थी जो कि बैम्बू से बनी हुई थी। वो हर चीज़ को स्पॉट करता है, स्क्रॉल्स पड़े हुए थे परफेक्ट ऑर्डर में और यहाँ पर बहुत अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन हुआ हुआ था। कपबोर्ड था, फाइन ग्रेड जेड पेंडेंट था जो कि उसके ऊपर लटका हुआ था। इस टाइम पे लुओ भिंगे जो है वो उसके साइड रूम में देखता है। शेंजेंचू धीरे से उठ के बैठता है बेड पे और धीरे से वो अपने सिर को मसलने लगता है और वो यहाँ पर अपने बूट्स को ढूंढने लगता है। वो बुरी तरह से रात में सोया था और अब वो अनोय फील कर रहा था। उसके सपने में ड्रीम आया था और ड्रीम में ड्रीम आता गया और उस ड्रीम में भी ड्रीम आता लग गया। यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा ब्लैक हिस्ट्री दिख रही थी, वो भी शुआंग्यू सिटी की, जहाँ पर बहुत सारे स्किनर को उन्होंने मारा था और उसके ड्रीम में वही चीज़ें घूम रही थी। फिर इमॉर्टल अलायंस कॉन्फ्रेंस जो कि जिनलिन सिटी में हुआ सिटी में हुई थी, होली मिसोलियम, और उसका ड्रीम जो था बार बार घूम रहा था। उसे वॉमिट जैसा फील हो रहा था कि वो अभी के अभी उल्टियाँ कर दे, क्योंकि एक ड्रीम के बाद दूसरे ड्रीम से तीसरा ड्रीम कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लुओ भिंगे को दे रहा था जब वो सो रहा था, ये पर्सन उसके पास सोया हुआ था। और यहाँ पर जो हमारा शेंजेंचू जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। इस टाइम लुओ भिंगे जो है वो अपने कपड़े पहन लेता है और वो साइड रूम से बाहर निकलता है। शेंजेंचू जो है उसे अभी भी अपने बूट्स नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर वो लुओ भिंगे की तरफ देखता है जो साइड में चल रहा था बैठ के। शेंजेंचू एकदम से मूव होता है और उसे नीचे की तरफ खींच लेता है। लुओ भिंगे अभी भी हिला नहीं था, वो कहता है, तुम क्या कर रहे हो? शेंजेंचू उसका हेयर रिबन लेता है और वुडन कॉम से उसे खींच कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर लुओ भिंगे ओबिडेंटली उसके पास बैठता है। शेंजेंचू आसपास देखता है और वो बम्बू से उसके बाल ठीक करने लगता है। वो लुओ भिंगे के बालों को कंघी कर रहा था और कहता है, तुम क्या देख रहे हो यहाँ वहाँ? लुओ भिंगे की आइज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा शार्प थी, गोल थी और सॉफ्ट थी। वो कहता है, मैं हर बार बहुत जल्दी में रहता था जब मैं चिंचिंग पीक आया और पिछले कुछ सालों से तो मुझे यहाँ पर अच्छे से देखने का चांस ही नहीं मिला। शेंजेंचू जो है वो अपने मुंह से रिबन को पकड़े हुए था, वो यहाँ पर बड़े ही मिस्चीवियसली टाई करता है उसकी ब्रेड को और कहता है, तो तुम यहाँ आराम से इन दिनों देख सकते हो, मैं तुम्हें बाइजन पीक में लेके जाऊँगा और लियो चिंगे को आराम से वो उसके डिसाइपल से तुम्हें मिलवाऊँगा। चिंचिंग पीक के डिसाइपल भी तुम्हारे आसपास घूमेंगे और तुम्हें यहाँ पर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी, स्पेशली बाइजन पीक जाके। लुओ भिंगे धीरे से अपना सर घुमाता है, स्माइल करता है और प्यार से कहता है, शिजुन। तभी शेंजेंचू कहता है, यहाँ पर वो फिर से कहता है, शिजुन। शेंजेंचू फिर से कहता है, यहाँ पर उसने कभी इस तरह से शेंजेंचू को नहीं पुकारा था। वो कुछ टाइम ऐसे ही बोलता रहता है और उसे ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलता रहता है, तब तक जब तक शेंजेंचू
आराम से चीज़ों को पकड़े हुए था, वो अपने फैन को लुह भिंगे के हेड पर मारता है और कहता है, तुम बार बार मुझे क्यों बुला रहे हो, एक बार कहना काफ़ी नहीं है, अच्छा ठीक से बात करो। जैसे ही वो उसके सिर पर मारता है, लुह भिंगे का जो फेस था वो एकदम से गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो खुद को कंपोज करता है। फिर वो स्माइल करते हुए पूछता है, क्या शिजुन अच्छे से रात में सो गए? वो मन में सोचते हैं, मैं कैसे अच्छे से सो सकता था, मैंने पूरी रात तुम्हें अपनी बाहों में भरा हुआ था। वो धीरे से कहता है, बस कुछ पास्ट के ड्रीम आ रहे थे। लुह भिंगे कहता है, ओह कैसा रहेगा अगर मैं आपको हग करूँ नेक्स्ट टाइम जब हम सो रहे होंगे तो। ये वर्ड सुन के शिनचिनचू जो है वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है, धीरे से लुह भिंगे के बालों को अच्छे से बांध लेता है और उसे कहता है, जाओ जाओ। यहाँ पर शिनचिनचू जो है वो बाइजन पीक में जाता है, जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था लियो चिंगे को। वहाँ पर बहुत सारे फैमिलियर फेस थे, उसे नहीं पता था वो क्या करे। यहाँ पर लुह भिंगे जो है वो बैम्बू हाउस में ही रहता है, उसके लिए बहुत सारी कोंगी मिंग फैन लेके आता है और वहाँ पर वो कहता है कि मैं ओबिडेंटली मास्टर के रिटर्न का वेट करूँगा। यहाँ पर वो विलिंगली वेट करने के लिए तैयार था। लुह भिंगे जो है वो एकदम से पास आता है और वो यिंगयिंग बुलाता है। तभी निन यिंगयिंग जो है वो एकदम से डर जाती है और पीछे की तरफ देखती है और कहती है, लुह क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हारा सिर क्या अभी भी हर्ट कर रहा है, तुमने मुझे पुकारा यिंगयिंग, ये कितना डरावना है ना। लुह भिंगे उसे देख के हैरान हो जाता है। यहाँ पर उसका फेस भी हॉरर में था और वो कहती है, तुम मुझे निंग शिजे बुलाते थे ना। लुह भिंगे कहते हैं, निंग शिजे, क्योंकि यहाँ पर वो भूल गया है कि वो किस तरह से किसको ट्रीट करता था। शिजे वर्ड सुनते ही जो हमारे लुह भिंगे था वो अपने दांत पीसने लगता है। निंग यिंगयिंग उसे बोलती है धीरे से उसके शोल्डर को पैट करते हुए, वो उसे कहती है कि ये ऐसे ही है, सडनली तुमने मुझे एड्रेस करने का वे क्यों चेंज कर लिया। शिजुन हमेशा तुम्हारी तरफ रहते हैं, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, तुम्हें अपने से बड़ों को अपने से सीनियर को रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हमारे जो चिंचिंग पीक के डिसाइपल्स हैं वो टीचर के लिए हमेशा अच्छे से रिस्पेक्ट रखते हैं और तुम्हें इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तभी लुह भिंगे यहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। निंग यिंगयिंग उसके फेस की तरफ देखती है और वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो। यहाँ पर लुह भिंगे उसे ही देख रहा था। यहाँ पे निंग यिंगयिंग झाड़ू लगा रही थी और वो झाड़ू उसके हाथ में देख कर कहती है, लुह प्लीज़ डोंट माइंड मी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें शिजुन के लिए सारा काम करना बहुत पसंद है, तुम और शिजुन जो है वो बहुत टाइम से दाशियों के साथ रह रहे हो और मैं जानती हूँ कि तुम उनके लिए सारा काम करना चाहते हो। अब तुम वापस आई गए हो तो मैं सारे टास्क जो भी शिजुन के हैं तुम पर छोड़ती हूँ, तो हम अब शिजुन की ड्यूटी को लेकर फाइट नहीं करेंगे। शिजे तुम्हें अच्छे से जानती है। यहाँ पर लुह भिंगे सोच रहा था, ये क्या बकवास है। वो आपस में देखता है कि यहाँ पर शियांशु पीक में जो डिसाइपल हैं शियांशु पीक के वो उसे हमेशा वेलकम करते थे, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे वो कहाँ हैं। पास्ट में शिनचिनचू जो है वो बहुत मुश्किल से ही ऑर्डर करता था लुह भिंगे के और वो उसे हमेशा बहुत सारे काम के लिए भेज दिया करता था। इवन उसका जो रेगुलर फेस था ना वो शियांशु पीक की तरफ था, टाइम टू टाइम उसे वहाँ जाना होता था, डिलीवर करने होते थे मैसेजेस और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी करनी होती थी, कभी किसी से कुछ मांगना पड़ता था। और वहाँ के जो मेल डिसाइपल्स थे अदर पीक के वो हमेशा इधर उधर काम ही घुमा करते थे, वो शियांशु पीक जाते थे और वहाँ पर वो ब्यूटीफुल फेरी से मिला करते थे, उनके चैम्बर हुआ करते थे, इवन बाथ हाउस हुआ करते थे। बाथ हाउस वहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और वो हमेशा वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी करते थे जो कि ब्यूटीज उसके आसपास घूमा करती थी। यहाँ पर लुह भिंगे जो था वो रिस्पेक्ट की वजह से अपने आप को डिस्टेंस बनाए हुए था यहाँ पर पीक से, और यहाँ पर शियांशुआ पीक के उसे कोई भी दिख नहीं रहा था, वो वेट कर रहा था कि कब वो इनर हॉल में शियांशुआ पीक की एंटर करे। यहाँ पर विंगयान जोर से चलाती है, लुह शिशियों, लुह भिंगे उसकी तरफ देखता है और वो यहाँ पर सिर हिलाकर बोलता है, लुह मिंगयान जो है सिर हिलाकर कहती है, लुह शिशियों आप यहाँ आए हैं कि कोई ऑर्डर दें, कि आपको शिन शिबो ने यहाँ पर इनवाइट किया है शिजुन के साथ। थोड़ी मोमेंट के लिए वो रुकती है और कहती है, प्लीज़ आप यहाँ वेट कीजिए, मैं आती हूँ, मैं एक अरेंजमेंट बना लेती हूँ ताकि तियानी मिनिस्ट्री में कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाए। वो तीन कमांड देती है और वो यहाँ पर तीन प्रीटी नन भी आती हैं, वो यहाँ पर लुह मिंगयान के आसपास सर्कल बना लेती है और वो यहाँ पर उसे एक रोब रैप कर देती हैं, उसकी आंखें अभी भी लुह भिंगे पे थी, वो धीरे से कुछ विस्पर करती हैं। यहाँ पर वो इंसान अभी भी ब्लू कलर में बहुत अच्छा लग रहा था, सारी की सारी हंसती हैं और लुह भिंगे वेट कर रहा था लुह मिंगयान के वापस आने का। वो वहाँ पर खड़ा ही होता है कि तभी वो देखता है कि एक बुक जो है वहाँ पर रखी हुई है, मैसी है, स्क्रोल भी डेस्क पर रखा हुआ है। यहाँ पर लुह मिंगयान जो है वो उसे कुछ छुपा रही थी। वो धीरे से उस बुकलेट को खोलता है और वहाँ पर देखने लगता है। जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पर लिखा हुआ था लुह शुमियान हुआ। वो स्माइल करता है और उस बुकलेट को खोलता है। यहाँ पर जब शिनचिनचू जो है रिटर्न होता है वापस से, वो उसे दिल से दिल की बात करना चाहता था बाइजन पीक में। लुह भिंगे ऑलरेडी वेट कर रहा था उसके लिए उस बैम्बू जगह में। वो धीरे से दरवाजे की तरफ जाता है और यहाँ पर वो देखता है, यहाँ पर शिनचिनचू उसे देखता है और सडनली वो डर के मारे दरवाज़ा बंद कर देता है। लुह भिंगे जो है उसे आराम से बेड की साइड में बैठा हुआ था और स्माइल करता है और कहता है, क्या हो गया शिजुन, यहाँ नहीं आना चाहेंगे। उसकी टोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और वो यहाँ पर एक डिफरेंट स्टोरी जैसे जी रहा हो। शिनचिनचू खड़ा होता है और वो उसने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था।
जैसे उसकी स्किन एकदम जिंदा हो गई हो उस गेज से। यहाँ पर शिनचिनचु का कॉम्प्लेक्शन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके शोल्डर जो थे वो ना ही चौड़े थे ना ही मोटे थे, स्लेंडर से थे। उसकी लॉन्ग लेग्स थी और यहाँ हर लेयर के ऊपर लेयर थी ग्रीन क्लोथ की। यहाँ ये एक चिंचिंग पीक का अटायर था और यहाँ पर उसकी फिगर बहुत अच्छी लग रही थी। सही में ये एक चार्मिंग पर्सन लग रहा था। शिनचिनचु जो है वो आराम से दरवाज़ा बंद करता है और वो यहाँ पर 5 कदम चलता है लुओबिंगे के पास और एकदम से वो देखता है कि लुओबिंगे ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया था। उसकी वेस्ट की तरफ उसकी ग्रिप टाइट हो गई थी और यहाँ पर उसके जो हाथ थे वो स्लिप हो रहे थे उसकी वेस्ट की तरफ। धीरे से वो उसे इंटीमेट तरीके से प्यार से सहलाने लगता है उसका हाथ और वो शिनचिनचु जो है वो सांस लेता है। लुओबिंगे की हथेलियाँ उसकी बॉडी पे लहरा रही थी जैसे वो उसका एडवांटेज लेना चाहता हो। लुओबिंगे धीरे से उसके पास आता है और शिनचिनचु यहाँ पर लुओबिंगे की थाई पे बैठ जाता है। उसकी जो लेग्स थी वो ओपन हुई हुई थी और वो यहाँ पर लुओबिंगे के पास ही चिपक गया था और अगले ही मोमेंट लुओबिंगे को फील होता है कि उसकी नेक जो है वो यहाँ पर धीरे से नीचे जा रही है। शिनचिनचु के लिप्स उसके लिप्स से लॉक हो जाते हैं और वो दोनों किस करने लगते हैं। वो इस पोजीशन में मूव नहीं कर पाता। दोनों के दोनों ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश थे इस एक्शन के साथ। लास्ट टाइम उन्होंने स्पेशल केस में ये सारी चीज़ें की थी। शिनचिनचु यहाँ पर रिजर्व रखता था अपने आप को। लुओबिंगे जो है वो उससे बहुत ही कम, बहुत ही पिछले कहा जाए तो 15 दिनों में एक बार ही उसके पास आया था। वो मोस्टली टाइम डेमन रेलम की चीज़ों के साथ बिता रहा था। यहाँ पर वो थोड़ा शाय फील कर रहा था और उसने कुछ भी अभी आउट ऑफ लाइन नहीं किया था। ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पर इस एक्टिविटी के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे एक चाइल्ड खुद को बचा नहीं पा रहा है अपनी डिज़ायर से। शिनचिनचु जो है वो क्लिंगी नहीं होता था किसी भी इंसान के, लेकिन वो यहाँ पर लुओबिंगे को हक करने में बिल्कुल भी, मतलब उसे अच्छा लगता था, वो खुद को मना नहीं करता था। यहाँ पर लुओबिंगे एक फ्रजाइल डोल की तरह था और डेफिनेटली वो और भी ज़्यादा एक दूसरे को किस कर रहे थे। शिनचिनचु उससे रिस्पॉन्ड कर रहा था और वो अपने धीरे धीरे लिप्स को खोलते हैं। उसकी बॉडी सेम थी, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो दोनों ऐसे ही थे और वो हेड टू टो थोड़ा कांप रहा था और ये टॉप टू बॉटम उसे देखने लगता है जैसे उसने कभी इसे छुआ ही ना हो। यहाँ पर उसके हाथों में खुजली हो रही थी और वो अब उसके सेंसिटिव स्पॉट को टच करना चाहता था। लुओबिंगे अब धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसे टच करता है हर जगह और जैसे शिनचिनचु एक्चुअली में उसके इस टच के लिए क्रेव कर रहा हो। ये बहुत हार्ड था उसके लिए, उसने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी और एब्सोल्युटली वो वर्जन है क्या। यहाँ पे उसने खुद को बहुत सारी चीज़ें समझाई हुई थी, क्या ये फेयर है, कैसे कंप्लेन करनी चाहिए, चिल्लानी चाहिए, क्या कहना चाहिए। और इस टाइम लुओबिंगे आराम से उसके लिप्स को बहुत प्यार से सॉफ्टली किस कर रहा था और बाइट कर रहा था। धीरे से उसकी सांसें बढ़ रही थी और यहाँ पर लुओबिंगे की जो टंग थी वो उसके माउथ में थी। शिनचिनचु अपने आप को अब रोक नहीं पा रहा था और वह रिदम बहुत तेज कर देता है। दोनों अपने सिर को शिफ्ट करते हैं और किस करने लगते हैं। उनकी किस बहुत ज़्यादा डीप हो रही थी, सांसें लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। शिनचिनचु जो है उसकी आंखों में देखता है और वह देखता है कि लुओबिंगे की आंखों में किस तरह की चमक है। शिनचिनचु अब खुद को बड़ी मुश्किल से बैलेंस कर पा रहा था लुओबिंगे की थाइस पे और सबकॉन्शियसली वो लुओबिंगे के कॉलर को पकड़ लेता है। वो मिस कर रहा था इतने दिनों से लुओबिंगे की चेस्ट को फील करना, उसकी चेस्ट को टच करना और स्मूथ स्किन थी यहाँ पर लुओबिंगे की। शिनचिनचु का माइंड क्लियर था। धीरे से यहाँ पर उसकी जो चेस्ट थी वो उसे टच करता है लेकिन वो क्रिटिकली लुओबिंगे की हर्ट की तरफ हाथ लगाता है। लुओबिंगे जो है वो यहाँ पर बिना हिले उसकी तरफ देखता रहता है, किस करता रहता है और यहाँ पर वो स्माइल करता है। वो शिनचिनचु की राइट रिस्ट को पकड़ लेता है एक हाथ से और दूसरे हाथ से वो उसकी नेक को प्रेस करता है। वो शिनचिनचु को पकड़े हुए था डेफिनेटली। वो यहाँ पर बेड के ऊपर रोल होते हैं और वो खुद को शिनचिनचु के ऊपर पाता है। एक स्माइल के साथ वो शिनचिनचु की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ शिजोन, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझे खुद को क्यों नहीं देते। जैसे वो ये चीज़ें बोलता है तभी शिनचिनचु जो है वो उसकी तरफ देख के कहता है, छोड़ो मुझे। लुओबिंगे यहाँ पर उसे किस कर रहा था और उसके लिप्स उसे अभी भी किस कर रहे थे। यहाँ पर शिनचिनचु के होठों से खून आने लगता है जिस तरह से वो उसे वाइल्डली किस कर रहा था। यहाँ पर जैसे उसके लेफ्ट हैंड ने शुया स्वर्ड को समन कर लिया था, लुओबिंगे इस मोमेंट थोड़ा सा हिल जाता है और शिनचिनचु यहाँ पर चांस लेता है अपनी एक टांग को उठाने के लिए और वो उसकी चेस्ट पर किक करता है। इससे पहले वो उठ पाए उसका जो ग्रिप था वो उसके एंकल पर आ जाता है और लुओबिंगे यहाँ पर उसके एंकल यानी कि उसके पैरों को पकड़ लेता है। इस बोल मूव से शिनचिनचु जो है पीछे की तरफ होता है, उसकी बॉडी जो थी वो इमीडिएटली उसके सामने थी। यहाँ पर वो सामने शिनचिनचु की बॉडी थी, उसकी टांगें, उसकी काफ, उसकी चेस्ट, यहाँ पर उसे वो अपने नीचे डाल लेता है और उसके बाद शिनचिनचु कहता है, वो कहाँ है। वो बोलता है, लुओबिंगे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तब वो मुस्कुरा के कहता है, ओ लुओबिंगे, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, मैं क्या मैं यहाँ नहीं हूँ। शिनचिनचु कहता है, तुम यहाँ कैसे आ गए। लुओबिंगे यहाँ पर उसके बालों से खेलते हुए कहता है, कंपेयर किया जाए तो मैं नहीं जानता था कि शिजोन को कैसे ढूंढा जाए। यहाँ पर वो मन में सोचता है, व्हाट द फक, ये जो स्कार लुओबिंगे के हाथों पे था, चेस्ट पे था, वो था जो उसने बहुत पहले क्रिएट किया था। यहाँ पर शिनचिनचु जो है वो कहता है, तुम सच में जानना चाहते हो लुओबिंगे,
धीरे से नीचे होता है और प्रेस करता है अपनी बॉडी को शनचनचू की बॉडी पे, और धीरे से कहता है, आप माइंड नहीं करेंगे ना अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो? हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम धीरे धीरे इस बात के बारे में जान लेंगे। शनचनचू कहता है, तुम पीछे की तरफ मुड़ो और देखो, देखो खुद को यहाँ पर। लुओ बिंगे जो है उसके लिप्स ठंडे पड़ गए थे, वो यहाँ पर पीछे की तरफ देखता है और यहाँ पर सेमी डार्कनेस थी और वो मिरर में खुद को देखता है। उसका फेस बहुत ज़्यादा आइस जैसा था और उसकी आंखें लाल हो रही थी। यहाँ पर एक स्क्रीन थी जो कि पार्टीशन करे हुए थी रूम में, जिसके सामने बेड था। लैंटर्न का विजन जो था वो अलग था। और देखते हैं गाइस, कौन है ये इंसान जो लियो भिंगे बन के यहाँ आ गया है? क्या ये सच का लियो भिंगे है या फिर ये कोई भैरूपिया है? देखते हैं अगले आने वाले पार्ट में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसा क्या हुआ है जो शनचनचू को इस पर शक हुआ है?